पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से शुरू की गई जागो पंजाब लहर को मुख्य रखते हुए पंजाब कांग्रेस कमेटी के सचिव, सोशल मीडिया सेल जिला मोगा के अध्यक्ष डॉक्टर हरजोत ने भारी संख्या में उपस्थित समर्थकों सहित नेचर पार्क से लेकर मेन बाजार से होते हुए शहर के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि आओ मिलकर कैप्टन का साथ देकर कांग्रेस की सरकार लाकर पंजाब को फिर से खुशहाल करने का यत्न करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब के मौजूदा हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पंजाब का कोई भी वर्ग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, इसलिए पंजाब को बचाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से बड़े स्तर पर यत्न किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उनके साथ मोहर गोयल, भूषण तायल, प्रेम जिंदल, साहिल अरोड़ा, सुभाष ग्रोवर, सीरा लंडे के ठाणा सिंह जौहल आदि उपस्थित थे। कांग्रेस वर्करों को संबोधित करते हुए पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव डॉक्टर हरजोत कमल ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में विकास के दावे करने वाली अकाली भाजपा सरकार ने रेत, बजरी, ट्रांसपोर्ट, केबल पर कब्जा कर आम जनता पर बोझ डाला। रेत की महंगाई के कारण आम आदमी घर नहीं बना सकता, इस कारण हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। अगर समय रहते लोगों ने सरकार को चलता ना किया तो पंजाब वासियों को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मोगा से टॉप न्यूज के संवाददाता सरजीत रोली की विशेष रिपोर्ट। और जेडी भी को गल करनी है मैं मंडेला जी नू दस दूंगा, वो पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दी वड्डे पत्तर दी गल करना आपां छोटियां गल्लां च नहीं पैना। और लोग इस चीज नू चंगा नहीं समझदे, तुसीं अपनी गल आप ही दराई चलो ते अपने आप नू आप ही वड्डा करी चलो। नमाणियां बंदियां नू लोग पसंद करदे, इस करके आपां नीवें हो के चलना। और मेरे सद्दे ते मैनू प्यार देण तुसीं आए हैं, इन्नी क बेनती मेरी जरूर मंजूर कर लियो कि वो जिहड़ा आपां काफला बाजार दे विच लैके जाणा उहदे विच अपनी चढ़ाई हुण हरजोत कमल दी अध्यक्षता करले रोड शो कढ़िया जा रहा वा। अब दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने लहर चलाई है जागो पंजाब दे नां ते, उहदे तहत ही असीं अज मोगे दे विच उस लहर दे तहत ही लगे हां काम करन। ते असीं भी शहर वासियां नूं अवेयरनैस क्रिएट करन वास्ते अज दी इह जिहड़ी आ रोड मार्च जां पैदल यात्रा जिहड़ी उह रखी हुई है। इहदे नाल असीं चाहुंदे हां कि पंजाब वासियां नूं और उसे तर्ज ते मोगा वासियां नूं अवेयर करिए कि पंजाब दे विच जो अज हालात आ, नशियां दा कारोबार, बेरोजगारी ते होर जो कुछ भ्रिष्टाचार फैलिया वा, वह सारिया तो जो मुक्ति चाहते हैं, कारोबार सारे ठप्प पे आ, जो मुड़ के पंजाब नू लीहां ते लियाना चाहुंदा पंजाब, तां आओ अज रल मिल के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे हाथ मजबूत करिए। जिहड़ा उन्हां ने तलवंडी साबो गुटका साहब ते हाथ रख के सहुं खाधी कि पंजाब चों नशियां दा खात्मा करनगे, ते आपां भी उन्हां दा साथ देईए, उन्हां दी खाधी सहुं दे उत्ते असीं भी पूरने पाईए ते पंजाब दे विच इक नवां आगाज़ करिए। ये जिहड़े काले दौर आ इन्हां नूं चलदा करिए। जिस तरह पहला कांग्रेस ने पंजाब चों अतवाद का सफाया किया, अज फिर ये जिहड़ा इकोनोमिकल अतवाद लिआंदा पिया इस सरकार ने, सारिया प्रॉपर्टियां ते सारिया कारोबारां ते कब्जा किया पिया, नौजवानों नूं नशियां दे विच गर्क कर दिता, वह सारिया तो खात्मा करके पंजाब नूं मुड़ के जे चढ़दी कला च लिआउणा, फिर कारोबार उजागर करने आ और लहर बहर करनी पंजाब च,
ਤੇ ਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।